हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं इफ्तारी के लिए झटपट पकौड़ी। तो पकौड़ी बनाने में मोस्टली बहुत टाइम लगता है, बट मैं आपको एक इजी मेथड बताती हूँ। सबसे पहले आप दो आलू को बारीक कट कर लो, एक बड़ी प्याज आप बारीक कट कर लो, उसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया और तो 2-3 चम्मच इसमें बेसन के ऐड करो। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लो। और हाँ, इसमें पानी बिल्कुल मत ऐड करना, नहीं तो ये बहुत स्मूथ पेस्ट हो जाएगा। आप थोड़ा सा 2-3 बूंद पानी की ऐड कर सकते हो। ओके, इसके बाद आपने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया, एक तेल में पैन गरम करने के लिए रख दिया। तो सबसे पहले हमने जो तेल गरम हो चुका था उसमें सबसे पहले हमने चिप्स फ्राई कर ली, क्योंकि मोस्टली आपको पता है हमारे यहाँ पे चिप्स खाई जाती है, बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है इसलिए। तो जैसे ही चिप्स तैयार हुई, इनका हमने निकाल लिया है साइड में। उसके बाद सेम तेल में हमने 2-3 पकौड़ियाँ अपनी डालनी शुरू करी। उसके बाद तेल देखो गर्म हो चुका है और ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके। तो जैसे ही जैसे ये गोल्डन फ्राई होने लगी, हमने थोड़ी थोड़ी करके इसमें पकौड़ी ऐड की और गोल्डन फ्राई होने के बाद उन्हें निकाल लिया। तो इफ्तारी में आप ऐसे झटपट पकौड़ी बना सकते हो ताकि आपका टाइम भी बचे और खाने वाले को भी बहुत मज़ा आए। तो ये हमारी इफ्तारी की पकौड़ी तैयार है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और आपके यहाँ पे क्या बनता है ये बताना। थैंक